यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा 15 फरवरी को आयोजित देश बचाओ रैली की सफलता को लेकर पार्टी नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों, मंच व मोर्चा की पदाधिकारियों के अलावे वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे, पूर्व मंत्री, केंद्रीय त्रिपाठी सहित कई नेताओं ने शिरकत की, जहाँ शुक्रवार को होने वाली महारैली की सफलता पर अहम चर्चा की गई। इस अवसर पर संवाददाताओं से रूबरू होकर वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे ने कहा कि शिवाजी मैदान में होने वाला महारैली ऐतिहासिक होगा। उन्होंने पलामू, गढ़वाल, लातेहार और चतरा जिले की पार्टी समर्थकों से महारैली में सम्मिलित होकर उसे सफल बनाने की अपील की है। वहीं मौजूद पूर्व मंत्री श्री त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश के संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किए जाने के प्रयास को महारैली के दौरान उजागर किया जाएगा। लातेहार और चतरा चारों जिला के लोगों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम सब लोग एक साथ अपील कर रहे हैं कि सब लोग शिवाजी मैदान पहुँचें और पहुँच करके कांग्रेस के महासम्मेलन में सम्मिलित हों। जो केंद्र सरकार ने 5 सालों में देश के प्रजातंत्र को कमज़ोर किया है, इसके लोकतंत्र पर कुठाराघात किया है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन, इन सारे संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से बर्बाद किया है, उसको कमज़ोर किया है, उससे देश का प्रजातंत्र कमज़ोर हुआ है। इसी को आम लोगों को बताने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार यहाँ पर कल प्रमंडलीय महासम्मेलन हो रहा है और उस महासम्मेलन में भाग लेने हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री, वन मंत्री उमंग सेंगार जी आ रहे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार आ रहे हैं। तो सारे लोग कल मंच पर, हम लोग सब आपको वहां नज़र आएंगे और कांग्रेस का यह आगामी चुनाव का हुंकार इसी महासम्मेलन से शुरू।